अस्सलाम वालेकुम, ग्रिपन ट्रिप का नया एपिसोड और आज आप देख रहे हैं नौफिल ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं काफ़ी लंबे टूर पे निकला हुआ था और पीछे से नौफिल साहब ने खुद से टिकटें बुक करवाई हैं और ख़ुद से ही इस कर्दू पहुंच गए हैं और अभी हम मौजूद हैं कटपना डेजर्ट में और आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त है। हम एपिसोड अपना स्टार्ट करेंगे एयरपोर्ट से जहाँ से मैं नौफिल को लेने गया था और फिर आएँगे वापस, फिर यहाँ से आके होंगे रेडी और यहाँ तो आज हम जाएँगे शिंगरेला रिज़ॉर्ट। तोशी कहाँ जाना है? शिंगरेला रिज़ॉर्ट जाएंगे या फिर हम जाएंगे रा रेस्टोरेंट जो शिखर में नया बना है। तो आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉट्स बन गए हैं और पूरी मार्केट बन गई है नीचे भी और ऊपर भी। पहले जब मैं आया था, चार साल पहले जो मैंने वीलो किया था पहली दफ़ा, तीन साल पहले शायद, तो शी आपने कहाँ जाना है बताओ ना, कहाँ जाना है आपने? स्कर्दू जाना जी। माउंटेंस में नहीं जाना? जाना है माउंटेंस में। हम लोग इन पॉट्स में रुके हुए हैं, ये मैं आपको पॉट्स दिखाता हूँ। आज की नाइट हमारी इधर ही है और हमारी आज बहुत ज़्यादा फन फील्ड डे है इंशाल्लाह। तो तोशी, आर यू एक्साइटेड? ये कर दो ये। ओके, स्कर्दू एयरपोर्ट पहुंचते ही नौफिल ने भंगड़े डालने शुरू कर दिए क्योंकि मुझे घर से गायब हुए महीना हो गया था और वो मुझे बहुत मिस कर रहा था। इस साल स्कर्दू एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का शेड्यूल भी अजीब रहा है। इस्लामाबाद के अलावा लाहौर और कराची की फ़्लाइट्स एक ही दिन में एक घंटे के फ़र्क से ऑपरेट हो रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी रश लग जाता है। एयरपोर्ट से हम लोग पॉट्स पहुँचे। पहली रात का स्टे हम कटपना में करेंगे। बाहर लॉबी बनाई हुई है इसकी, टू चेयर्स के साथ प्राइवेसी है और यहाँ पे इन्होंने छोटी छोटी मछलियाँ छोड़ी हुई हैं। नौफिल बाबा काफ़ी बिजी रहेगा यहाँ पे आके। रूम देखते हैं, वॉशरूम चेक करते हैं। इसमें तीन बंदे आराम से रह सकते हैं, एक एक्स्ट्रा मैट्रेस लगा के नीचे। वाईफाई भी है और गर्म पानी भी अवेलेबल है। ये बाथरूम है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कमोड, जो हम लोगों को चाहिए होता है। वैसे मैं तो दोनों चीज़ों में इजी हूँ। ये वॉशरूम है, बिल्कुल नए पॉट्स बने हैं और तोशी बाबा ने इतने आके नीर पा देना है। ये अलमारी भी है। Beautiful. ये स्विंग बहुत बढ़िया अट्रैक्शन है। अभी हम एक घंटा हुआ है, 40 मिनट इस नीचे पे गुजारे हैं गोदी करके। चलो मामा स्टॉप। स्विंग चल रहा काफ़ी देर से अभी और हम लोग शिंगरेला का ही प्लान करते हैं आज। और यहाँ पे जब दिन के वक्त मैं आ रहा था रास्ते में तो बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन अभी सारी जगह पे छाँव हो गई है, पूरी वैली ज़बरदस्त हुई हुई है, हवा भी चल रही है। और यहाँ पे इंशाल्लाह शाम तक तो खैर नहीं, अब रात को हम वापस आएँगे। Yeah.
नोफिल, फिश आपको नजर आई है? नहीं आई, मैं आपको दिखाता हूँ, देखना। कटपना पे जब मैंने पहले व्लॉग करने आया था तो यहाँ पे बिल्कुल इक्का दुक्का होटल थे, और अब जो सैंड ड्यून्स के ऊपर ये जो पहाड़ है इसके ऊपर पूरी एक मार्केट बन गई है होटल्स की, और वहाँ पे ग्लैम्स हैं और बड़े लग्जरी किस्म के भी रिजॉर्ट्स बन गए हैं, और नीचे वाली लाइन पे भी बन गए हैं काफ़ी ज़्यादा। आपको यहाँ पे 3-4 जो पाकिस्तान में अच्छे ब्रांड हैं उनके भी मिल जाते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे ग्लैम्स ही हैं और पॉड्स बने हुए हैं। और यहाँ की जो वैली है कटपना की, मुझे बड़ी डाइवर्सिफाई लगती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सहरा के साथ ओएसिस बन जाता है, आगे स्वाम्प लैंड है, पानी ज़्यादा हो तो पूरी झील का व्यू आता है, ग्राउंड है, और बड़ी एक राइड जो है वो भी बड़ी अच्छी मिलती है। तो इसलिए मैंने फैसला किया था कि कटपना में हम रुकते हैं। और वैसे भी अगर आप स्कर्दू शहर में रुकना चाह रहे हैं और लेकिन शोर नहीं चाह रहे, तो कटपना इज़ द बेस्ट लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको आप होते भी शहर के अंदर हैं लेकिन सुकून जो है वो आपको शहर के बाहर वाला मिलता है। नौफिल, आगे इतनी ज्यादा फिश आएंगी, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी दक्षिण आएगी। आपने फिश देखी है यहाँ पे? हाँ। और टर्टल भी देखा है? लो जी, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे टर्टल होगा लेकिन तोशी ने देख लिया है नोफी। अभी इसने रास्ते में वो गोलियाँ टॉफियाँ खाई हैं और सारा मुंह गंदा कर लिया, अभी हम पहले तोशी मुंह धोएंगे, ठीक है? चलो आपने अंदर नहीं जाना, आ जाओ, हम फिश देखें चल के। टर्टल, टर्टल भी देखते हैं, मॉन्स्टर क्रैब भी देखना है। टर्टल है? हाँ। क्या कर रहा है? स्विमिंग। ऐसे ऐसे स्विमिंग कर रहा है। आजकल तोशी साहब को चटका चढ़ा हुआ है सी एनिमल्स का, तो उसको जो शंग्रीला लेक में से, उसको टर्टल भी चाहिए, क्रैब भी चाहिए और सी हॉर्स भी चाहिए, और शार्क भी। शार्क भी चाहिए, तो हमें ये, हाँ, जितने भी पैसिफिक ओशन के एनिमल्स हैं वो सारे हमें, और सी हॉर्स भी चाहिए, और स्टिंग्रे भी चाहिए हमें। तो हमें जितने भी जानवर है ना पैसिफिक ओशन के ऑस्ट्रेलियन रीजन में, वो सारे हमें शिंग्रीला लेक से चाहिए। चलो जी, हम चल के ढूंढते हैं और डाइव करके देखते हैं, ठीक है? तो चू स्नेक भी देख लिया, वाह जी वाह। ये स्नेक नहीं है, ये ग्रास है। आज डे टू है लेकिन हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि होटल में जाने से पहले ही हम लोग फोक वैली और ग्रीन लेक देखते हुए चलते हैं। पापा, मैं फंड में थिंक मो, वाह चलो नौफिल, आप फेंको। ओ ये बड़ी ही प्यारी छोटी सी लेक है, यहाँ पे होटल और कैंटीन वगैरह नहीं है, लोगों को बड़ा कम पता है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था मैं इसका एक व्लॉग भी बना रहा हूँ, और तोशी की बकेट लिस्ट में हमने ग्रीन लेक भी आज ऐड कर दिया। और यहाँ से जो सड़क है यहाँ पे हर किसी की गाड़ी आ सकती है, लेकिन गलियाँ बहुत तंग है, ये देख लीजिएगा। व्लॉग में मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा, तोशी आपको अच्छी लगी जगह। अब हम जाएंगे फोक वैली।
इसको बैठेंगे, हिबा भी बैठेगी, इसको पकड़ेंगे ऐसे करके, ऐसे पकड़ो, देखना हिबा बैठेगी, हिबा बैठेगी, हिबा इधर आओ आओ, प्यार कर लो जितना करना, चलो इसे चलाओ, टुक 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 टुक, देखा हिबा बैठ गई है, अभी 4 बज गए हैं और आज के दिन का जो है हमने चेक इन नहीं किया, अभी स्कर्दू शहर वापस जाएंगे, 40 से 45 मिनट लगते हैं, बल्कि घंटा ही लगेगा, क्योंकि मेन रोड जाने में भी आपको 20-25 मिनट लगने हैं, अभी जाके चेक इन करेंगे, इसके बाद देखेंगे अब हमने आज कहाँ जाना है। वैसे आपस की बात है, पाकिस्तान में जो है ना लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं, लोगों को बड़ा पैसा है, अन्ना पैसा है, और लोग चाहते हैं कि कोई जगह मिले जिससे छुट्टी है। अब ये जो रिजॉर्ट बना है शिखर में, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, और मैं तो यहाँ से खाना खाने आया हूँ बस, लेकिन यह है कि यहाँ पर लक्सिस ग्रैंड भी अपना एक प्रोजेक्ट बना रहा है, एक रिवाज के नाम से भी अगले साल यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो शिखर जो है वो स्कर्दू में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है और बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ फोकस कर रहे हैं। नौफिल साहब अभी उठ गए हैं, लेकिन अभी स्लीपिंग मोड भी लगे हुए हैं, फीटर शीटर पी की तरह चार्ज हो जाएंगे, फिर इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इतना प्यारा व्यू है हमारे पास और तोशी का मूड खराब है जी। तोशी आपने डॉल्फिन देखी है इसमें? हाँ। किस कलर की थी? येलो और ब्लू और पर्पल। लो जी, 7 रंगी डॉल्फिन देख लिए नौफिल ने, येलो ब्लू और पर्पल। तोशी इतनी प्यारी जगह यार, इसको यहाँ पे देखी, यहाँ पे देखते हैं। तो आज का जो एपिसोड है वो हम खाना खा के एंड करेंगे और फिर निकलेंगे इंशाल्लाह वापस, क्योंकि कल इन लोगों की फ़्लाइट है और मेरी भी कल ही वापसी स्टार्ट हो जाएगी। मैं क्योंकि बाइक पे हूँ, मैं बाइक पे जाऊँगा, नारान में थोड़ी देर रुकूँगा, एक रात या दो रात हैं, उसके बाद हम फिर वापस पहुँचेंगे। रवानगी है और इस एयरपोर्ट पे जब 2 फ्लाइटें आती हैं तो यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं मिलती, 10-12 सिर्फ ट्रॉली था यहाँ पे पड़ी हुई, उन्हीं को मैं ट्रॉली की तलाश कर रहा हूँ क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा है, और मैंने तो बाय रोड जाना है, इनकी 10:20 की फ़्लाइट है, और हमारा जो एक्सपीरियंस था वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा, लेकिन रहा जो रेस्टोरेंट था वो अप टू द मार्क नहीं था, इतना महंगा था और चीज़ें थी नहीं, जो मैंने कल स्टेक खाई है उसमें आलू और गाजरें थी बस, ना कोई सुकनी पीज़ और ब्रोकली समथिंग कुछ भी नहीं, और प्राइस आप हाई कर रहे हैं और प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, तो सर्विस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बाकी ओवरऑल ये बड़ा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा सिलसिला। अभी हमें दें इजाज़त, स्कर्दू सीरीज़ स्कर्दू का टूर नौफिल को करा दिया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।